बिग बॉस सीजन 11 इन दिनों काफी सुर्खियों में है, जो आए दिन काफी दिलचस्प मोड़ ले रहा है। इस सीजन के प्रतियोगियों ने पहले सप्ताह से अपना खेल शुरू कर दिया था। शिल्पा शिंदे, हिना खान, आकाश ददलानी और विकास गुप्ता सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे हैं। आइए देखते हैं कि बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगियों का इन सभी के बारे में क्या कहना है। हमारे शो की बात कुछ और थी, हम लोग वर्सेस थे, जैसे अभी आई सेलिब्रिटी वर्सेस कॉमनर, बट इस टाइम कुछ ऐसा है नहीं। बट मुझे लग रहा है लोगों को समझ में आ रहा है कि एंटरटेनमेंट होता क्या है, और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। वो लोग जो मुझे ही लग रहा है कि एंटरटेन कर रहे हैं, वो जाके अपनी खुंदस निकाल रहे हैं। बट एडवाइस करूँगा अगर वो सुन ले या पहुँच जाए तो, कि यार जैसे हो ना जेन्युइन खेलो, घर तो घर जाएगा, वो 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। यार मुझे अब तक जितना ही मैंने देखा है ना, मुझे विकास कहीं ना कहीं डिजर्विंग लग रहा है, क्योंकि वो सब कुछ सह भी चुका है, कह भी चुका है, रो भी चुका है, भाग भी चुका है, तो वो सारे फेसेस देख चुका है घर के, तो विकास मुझे कहीं ना कहीं लगता है डिजर्विंग। कॉन्ट्रोवर्सी इज ऑलवेज गुड इन बिग बॉस। फिलहाल तो कह नहीं सकती कौन निकलेगा विनर बनके, क्योंकि सब लोग ही अच्छा कर रहे हैं, और हमेशा देखते हैं कि जो पीछे से होते हैं वो उठ के आगे आते हैं, चैलेंज करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बिग बॉस हाउस में जितना बात नहीं किया, इधर बिग बॉस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? His favorite contestant is? I think Shilpa. I don't think I have any favorite this time. Honestly, मैं सच में बता रही हूँ, मैं इतना follow भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि किसी ने इतना excite किया या इतना you know entertain किया. I have a lot of hopes on Hina, but I don't know about that anymore. मैंने ये notice किया है कि हमारा जो Big Boss season था, उसमें जो रिश्ते थे start से end तक, वो बहुत ही पक्के थे, और किसी को कुछ भी बिलो द बेल्ट पर्सनल नहीं बोलते थे मेरे हमारे सीज़न में। ये सीज़न में तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और मैं कलर्स की बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे सीज़न 8 में डाला और सीज़न 9, 10, 11 में नहीं डाला। बट सीज़न इज़ ग्रेट, कॉमनर्स आर डूइंग लाइक ज़रूरत से ज़्यादा फॉर एक्सपोजिंग हिमसेल्फ, राइट। मेरे को लगता है एक दो टीके आकाश के बाकी रह गए हैं शायद। I thought एक दो टीके शायद आकाश के बाकी रह गए हैं, वो लगने चाहिए उसको, वैक्सीन बाकी हैं उसको, लाइक मेनिनजाइटिस काइंड ऑफ कोई बचपन में अगर रह गया हो तो उसका। और बिनाशा को सफाई उसके बॉडी ओडर के वो डियोस गिफ्ट करने चाहिए शायद, बिकॉज़ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट सो मच। मैं कहना चाहूँगी कि इस साल का बिग बॉस मतलब लोग पागल हो गए हैं, मतलब कंपेटिटिवनेस इतनी ज़्यादा है लोगों में, वो स्पिरिट टू विन ऐसी हो गई है कि कोई नई रिलेशंस, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब फेक लग रहा है, एंड आई फील इट्स वेरी स्कैंडलस।